बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो हमारा चल रहा है, पहले तो इंतहाई माजरत के साथ कि मैं जो है प्रॉपर लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा, तकरीबन पिछले जो है 4 वीक से, यानी कि 1 मंथ हो गया है। मेरी कुछ ऐसी जो है सिचुएशन बन गई थी कि मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, हालांकि पहले जो है हम लेक्चर हर 2 दिन बाद हमारा आता रहा है। सो इस चीज़ के लिए माजरत इंतहाई। आप इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आपको लेक्चर मिलेंगे। एंड चैट जीपीटी का, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम मॉड्यूल 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इमेज क्रिएशन का देखा था। मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स बताएं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म बताए, जहां पर आप 3D में बना सकते हैं इमेजेस, कैरिकेचर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी जो है वेल नाउन थी हमारे पास वेबसाइट्स, मैंने उनका बताया आपको। सो आज हमने जो है देखना है, मिड जर्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट डिमांडिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वेबसाइट है। एक मतलब इसका यूँ समझें कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इमेजेस क्रिएट करके देता है बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप की, ठीक है। यानी कि अगर इमेज क्रिएशन में हम ये देखें ना कि सबसे टॉप पे कौन सी वेबसाइट है जो सबसे अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करती है, तो वो मिड जर्नी है, और वो बेसिकली प्रीमियम है, यानी कि पेड है। उसको अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम लोगोज़ वगैरह कैसे डिज़ाइन करें, या लोगोज़ के कंसेप्ट कैसे लें, या पोस्टर्स वगैरह अगर आपने डिज़ाइन करें तो वो कैसे करें। वो हम मिड जर्नी में भी सीखेंगे, और आज से हम एक और जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये है उसी इमेज क्रिएशन में, लेकिन एक वेबसाइट है लियोनार्डो के नाम से, ठीक है, जो कि यूँ समझें कि अल्टरनेटिव ऑफ मिड जर्नी है। बिकॉज मतलब बहुत हद तक ये जो है मिड जर्नी से मिलती जुलती है। इसमें हमारी ना तकरीबन 3 से 4 क्लासेस होंगी, और मैं आपको ना इसके सारे जो है ऑप्शंस भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है इमेज इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉम्प्ट्स देकर जो है कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एंड सब कुछ। सो आज के जो टॉपिक में ना हम इसको देखेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहां पर जाकर जो है अपनी अकाउंट्स वगैरह देखेंगे, और उसका कुछ डैशबोर्ड जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है लियोनार्डो लियोनार्डो डॉट ए आई, ठीक है, लियोनार्डो डॉट ए आई। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये फर्स्ट आपके पास वेबसाइट आ रही है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड इसको जो है हम कर लेते हैं जी, क्रिएट अकाउंट करते हैं। अच्छा, इसमें भी प्रीमियम वर्जन भी है और फ्री वाला भी है, सही है, तो ये बात जो है आपने माइंड में रखनी है। हम फ्री ही एक्सेस करेंगे फिलहाल के लिए। इंटरनेट स्पीड मेरे ख्याल से थोड़ी सी डाउन चल रही है, सी दिस। चलें, ये कुछ हमारे पास इस तरह का जो है डैशबोर्ड आ रहा है इसका। ओके, मैं क्या करता हूँ कि साइन इन विद द गूगल कर लेता हूँ, साइन अप विद द गूगल, एंड गूगल से साइन अप करने। ये देखें ना कितनी रियलिस्टिक किस्म की आपको इमेजेस बनाकर देगा, चाहे आप रोबोटिक बनाना चाहें, चाहे आप 3D जो है बनाना चाहें, किसी भी किस्म की आप अगर बनाना चाहें तो ये आपको बनाकर देगा। इसमें हमारी 2 से 3 क्लासेज होंगी, इसके हम हर एस्पेक्ट को जो है देखेंगे, ठीक है, हर हिसाब से ना हम इसको देखेंगे, ताकि हम इसमें ना जो है इमेजेस क्रिएट करके फिर आगे सेल भी कर सकें, और सेल कैसे करनी है वो चीज़ें भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी आमिर क्रिएशन, ठीक है, ये हमने दे दिया। व्हाट आर योर इंटरेस्ट? मेरी इंटरेस्ट जो है वो मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, स्टॉक इमेजेस, एडवर्टाइजिंग, एंड यूज़र नेम कैन ओनली नंबर एंड अंडरस्कोर। ओके, आमिर 99 कर देते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ आई कंफर्म, ठीक है, कर दिया। ये ऑलरेडी टेकन है, तो हम एक और इजाफा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी टेकन है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अंडरस्कोर लगाकर हमने आमिर शहजाद कर लिया। ओके, सी दिस, अब ट्राई करते हैं कि अब हमें ये क्या कहते हैं, लेटर एंड अब देखते हैं। ये थोड़ा सा गेट करने में जो है इशू ले रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग मोशन आउट ऑफ, ठीक है, शो
शो मी लेटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा भी हमारे पास कंटेंट पड़ा होता है जो कि मैं नहीं दिखाना चाह रहा। सो मैं कोशिश अपनी करूँगा कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो है चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे। कम्युनिटी फीड क्या है कि जितनी भी जो है लिनार्डो की कम्युनिटी है उन्होंने अपने मतलब कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर अपलोडिंग की हुई है, ठीक है, वो आप सभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ओके मतलब आप डिफरेंट काइंड आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। फोटोग्राफी पड़ी है, फिर एनिमल्स की पड़ी हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर्स पड़े हैं, करेक्टर्स पड़े हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऊपर आपके पास चीज़ें पड़ी हैं। और ये चीज़ तो आपको पता है ना कि आप प्रॉम्प्ट का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। प्रॉम्प्ट का अंदाज़ा आप हमेशा इस हवाले से लगाते हैं कि किसी कोई भी अगर आपको इमेज अच्छी लग रही है ना, तो उसको आपने देख कर यहाँ पर उसकी प्रॉम्प्ट डिटेल पढ़नी है थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप हमेशा प्रॉम्प्ट जो है लिखते हुए उन डिटेल्स को माइंड में रखेंगे। इसी तरीके से फूड के हवाले से पढ़े हैं, करेक्टर्स के हवाले से पढ़े हैं, ये अब कितनी रियलिस्टिक इमेज लग रही है, अब इसका हमें कैसे पता चलेगा। हालांकि ये बहुत जो है प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इस तरह की जो है बनाकर देखेंगे एंड सीखेंगे ये फूड्स के हवाले से। ये देखें सीधे कितनी ज़बरदस्त किस्म की रियलिस्टिक इमेजेस यहाँ पर पड़ी हैं और इस तरह की आप भी क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ना इसके थोड़े से डैशबोर्ड को जो है डिस्कस कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर मैं आऊं तो पर्सनल फीड में मेरे पास वो चीज़ें होंगी जो मैं इमेजेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। सो ये पब्लिक भी आप पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है, ये आगे जब आप इमेज क्रिएट कर रहे होंगे ना तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा ट्रेनिंग एंड डेटा सेट, यहाँ पर आप अपने किसी भी मॉडल को ट्रेन करा सकते हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में फिलहाल आपको नहीं जो है बताऊँगा। फाइन ट्यून मॉडल, अगर आप कोई भी एक मॉडल चूज़ करते हैं, ठीक है, और मॉडल से मुतालिक मैंने आपको पहले बताया भी था, और आप चाहते हैं कि आपने इसी के ही फेस पे इसी के तर्ज पे जो है अपनी इमेजेस को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो है अवेलेबल होंगे। आप किसी को भी ओपन करके जो है उसमें को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूज़र टूल्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमारे काम का है वो है इमेज जनरेशन, ठीक है। इमेज जनरेशन क्या है, आपने प्रॉम्प्ट देनी है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट देनी है। सो मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं उसमें हम इंशाल्लाह ताला आते हैं। अच्छा रियल टाइम कैनवास, यहाँ पर आप अपना कोई भी इमेज लाकर उस एक इमेज की दूसरे इमेज में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ये भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है रियल टाइम जेन पड़ा है एक, और इसको भी हम सीखेंगे अगर ये फ्री हुआ तो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हमारे पास ऑप्शंस ना पेड भी हैं, ठीक है। नीचे आपके पास जो है, ठीक है, मेरे ख्याल से हम इमेज जनरेशन में आ जाते हैं। अच्छा इमेज जनरेशन में ना मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ जो है गाइड करूँगा, लेकिन आज हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं देंगे, आज हम सिंपल जो है देखेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर आप आएँ तो आपके पास 150 ना तकरीबन हमारे पास जो है ये कॉइन्स पड़ी हैं, ठीक है। 150 कॉइन्स मीन्स कि आप 150 कॉइन्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेजेस को डेली बेस पे एक अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब 150 कॉइन्स जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे फिर आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर आकर अपनी प्रॉम्प्ट देनी होगी, ठीक है। अच्छा इमेज गाइडलाइंस कुछ हम आपके पास पड़ी हैं, वो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देंगे ना तो आ जाएगी। अच्छा लेफ्ट साइड पे आपके पास एक पड़ा है रियल फोटो, ठीक है, रियल फोटो जैसे ही आप फोटो रियल, हाँ जी फोटो रियल, तो आपके पास डेप्थ ऑफ फील्ड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी आपने इमेजेस क्रिएट करनी है, मैं मिसाल के तौर पर 2 इमेजेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक जो है प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ रियलिस्टिक बर्गर विद ब्लैक बैकग्राउंड। ओके यहाँ पर मैंने जो है इसको कर दिया है। अच्छा यहाँ पर अगर आप आए ना तो ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, मैं बिल्कुल फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आए तो आप अपना प्लान अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल के लिए कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्लान को जो है अपग्रेड करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 इमेजेस का मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये मुझे 2 इमेजेस जो है क्रिएट करके देगा। रियल फोटो क्या है, अच्छा ये ना इसका जो है
एक पेड वर्जन है, ठीक है। तो आपने इसकी तरफ नहीं जाना सीधे, इसमें अगर आपको थोड़ी सी इमेज को ओपन करके दिखाऊं तो ये कितनी रियलिस्टिक लग रही है, आप इस चीज़ का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको, मैं ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है डिलीट इमेज का, क्या आप अपनी इमेज को डिलीट करना चाह रहे हैं, डाउनलोड का आ रहा है, कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, देखिएगा। ये रिमूव अगर बैकग्राउंड करते हैं ना, तो ये देखें ना, मैं जैसे कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो रिमूव बैकग्राउंड, दिस विल कास्ट 2 टोकन्स, यू हैव 134 टोकन, ठीक है। तो मैं चलें बैकग्राउंड इसका रिमूव करके देखता हूँ, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, देखिएगा। हाँ जी, नहीं, इसने हमें बैकग्राउंड क्यों नहीं रिमूव करके दिया। मैं अपनी इमेज क्रिएशन में आऊँगा और यहाँ पर सी दिस के, मेरे ख्याल से अभी वो लोड कर रहे हैं ना हमारा। देखिए कितनी रियलिस्टिक इमेजेस उसने हमें बना कर दी हैं, लेकिन इसने बैकग्राउंड क्यों नहीं हमें रिमूव करके दिया। चलें उसको भी देखते हैं। खैर, आगे आ जाता है जो आप ये पेड वर्जन, पेड जो है आपके पास दोनों आगे पड़ी है ना, ठीक है। अच्छा, नीचे आप अगर आएँ तो इमेज डायमेंशन के हवाले से आपके पास जो है, अच्छा, पब्लिक इमेज करनी है या पर्सनल रखनी है ये भी आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, उसके कहाँ गए भाई हम। अच्छा, इन इनपुट डायमेंशन आप अपने उसका कितना साइज देना चाह रहे हैं, अपनी साइज सेलेक्ट करके रीजनरेट यहाँ से आके सिंपली कर सकते हैं। अच्छा, 16 कॉइन्स इसने लिए हैं भाई, 16 टोकन्स लिए हैं इसने हमें ये इमेज जनरेट करके देने में, और आप देख सकते हैं कि कितनी रियलिस्टिक इमेज इसने हमें क्रिएट कर दी और बहुत अच्छी क्वालिटी में आई है ना। तो नीचे अगर आप आ जाएं तो एडवांस कंट्रोल्स पड़े हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना एस्पेक्ट रेशो जो है रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके पास फ्री होंगी, कुछ पेड होंगी, यहाँ से आप अपनी जो है उसकी बढ़ा सकते हैं, विड्थ हाइट, ठीक है, एंड गाइडेंस स्केल जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपने। ओके, ये तो आपको मतलब आप जैसे जैसे जो है साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मेरे पास कुछ जो है पड़े हैं डिफ्यूजन, इसके मॉडल्स पड़े हैं, ठीक है, लिनाडो डिफ्यूजन एक्सएल, ये जितने भी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अल्केमी की पता नहीं क्या लिखा हुआ है, V2, इट्स मीन्स कि ये सारे पेड हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास पड़ रहे हैं ना, एब्सोल्यूट रियलिटी, ठीक है, 1.6 या 3D एनिमेटेड स्टाइल, तो मैं एब्सोल्यूट अगर रियलिटी में आता हूँ तो सी दिस के एंड जनरेट करता हूँ, तो देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है रियलिस्टिक हमें क्रिएट करके देगा। और देखते हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी वाले मॉडल में और पहला जो हमने सिंपल क्रिएट किया था उसमें क्या डिफरेंस आता है। ओके, ये भी 16 कॉइन्स ही आपकी लेगा, टोकन्स लेगा, 16 टोकन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है नीचे डिफरेंट काइंड ऑफ इसकी सजेशन। ओके, अच्छा, अब देखिए कितना डिफरेंस फाइंड किया है हमने। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ और ये बहुत हद तक जो है हमें रियल लग रही है, और वाकई ही ये मॉडल्स काम कर रहे हैं। ये जो मॉडल्स पड़े हैं ना, ये फ्री वाले, ठीक है, आप इनको यूटिलाइज करके आपने ये देखना है, ठीक है, और हर एक पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं वो अपना ना बैकग्राउंड रिमूव वाला, वो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं एक मरतबा फिर ट्राई करता हूँ। नो बैकग्राउंड यहाँ से कर देते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा, यहाँ से बैकग्राउंड क्लिक कर, अच्छा, अब ये विदाउट बैकग्राउंड आ गया है भाई। सो अब मैं इसको अगर डाउनलोड करता हूँ और मैं सिंपल जाकर देखता हूँ, तो सी दिस की विदाउट बैकग्राउंड, ये जो है हम अपना अपने कैनवा में, हम अपने इलस्ट्रेटर में कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर में लेकर आता हूँ अपने, या फोटोशॉप में, तो ये विदाउट बैकग्राउंड आ रहा है, इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिए, ठीक है। सो इट्स अमेजिंग लिटरली, और बड़ा स्मूथली जो है इसको इन्होंने बैकग्राउंड रिमूव करके दिया है। सो आप कोई भी AI इमेज को जनरेट करके अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल Leonardo.ai, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स तो आपको नहीं दिखाऊंगा, मतलब लेकिन ये है कि हम इस पे एक दो क्लासेस मजीद लेंगे और इसमें जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क बनाकर फिर हम जो है देखेंगे, हम लोगो डिज़ाइन करना या लोगो से कंसेप्ट लेना इसमें सीखेंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 3D एनिमेटेड स्टाइल करूँगा तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर कोई और प्रॉम्प्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन विद, यूँ कह लें कि बैग, अ बिजनेसमैन विद द बैग इन ऑफिस, ठीक है, हम ना
सिंपल जो है दे देते। अच्छा ये देखिए कि एब्सोल्यूट रियलिटी हमारे पास जो है मॉडल हमारा सेलेक्ट है, ठीक है, मैंने ये सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कोई इसमें जो है इतनी ज़्यादा। अच्छा इसके अलावा मैं अगर आपको ये बताऊँ ना कि आप अपनी कोई भी इमेज को अपलोड करके, ठीक है, ये जनरेशन हिस्ट्री है ना, ये इमेज गाइडेंस, ये जैसे ही आप आए ना इसको आपने ऑन कर लेना है, बल्कि इमेज यहाँ पर अपनी अपलोड करनी है, और जिस तरह की आप इमेज बनाना चाह रहे हैं ना, यानी कि जिस फेस पे आप बनाना चाह रहे हैं उसी से उसी को यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपने ऊपर जो है प्रॉम्प्ट देंगे, और वो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है कोई ना कोई एक आर्ट वर्क उसी से मिलता जुलता रेलिवेंट जो है क्रिएट करके देगा, ठीक है। ये भी आपको होप सो के समझ आ गया होगा, प्रॉम्प्ट जनरेशन, नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स जनरेट। अच्छा यहाँ पर ना आप अपने प्रॉम्प्ट से मुतलिक आइडियाज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप 2 3, फिलहाल तो मेरे ख्याल से ये वर्किंग में नहीं है, और हम इसको भी जो है ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा वो हम अपने ओके सी दिस, यहाँ पर आप इमेज देखें कितनी रियलिस्टिक किस्म की, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड ये देखिए इसमें मज़ीद आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट से आपने क्या देना होगा आप। अच्छा इसका नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला भी एक ऑप्शन होता है, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा वो, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला एक सेक्शन इसका होना चाहिए था। चलें उसको भी हम देखेंगे, अभी तो हमने इस पे मज़ीद जो है इसको एक्सप्लोर करना है, और इस पूरे ओवरऑल ना, अच्छा इस इन्हीं अगर जो मैंने ड्रा किए हैं ना, अगर इनको मैं क्या करना चाहता हूँ कि 3D एनिमेटेड स्टाइल में जो है मैं जनरेट करना चाहता हूँ, फिर देखिएगा क्या आता है, मतलब वो इमेजेस वैसे ही आएंगी, अ मैन होल्डिंग अ बिजनेस मैन विद द बैग इन ऑफिस, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, लेट्स सी के हमें हमारे पास क्या जो है डिफरेंस आता है। और हाँ जी आप देखें ना, वो मैंने यहाँ पर अपना मॉडल क्या सेलेक्ट किया था, 3D एनिमेटेड स्टाइल, तो आप इस तरह के अपने 3D एनिमेशन में इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, जब हम आगे 3D एनिमेशंस पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ से इमेजेस इस तरीके से जो है क्रिएट करा सकेंगे कोई भी अपनी प्रॉम्प्ट देके। होप सो कि जितना भी मैंने आपको आज सिखाया है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ से अपने किसी भी उस पर को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर सिंपली डिलीट ऑल करें तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अप स्केल कर सकते हैं, मतलब उसकी जो है आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। देखिए आप जितने तक जब तक जो है इन चीज़ों को आके यूज़ नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, सो माइंड में रखना है हमेशा। एंड दूसरी बात कि मैं आपको ये बताऊं कि इस पे हम मेरा एक और लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको इसका प्रोफेशनल यूजेज बताऊंगा कि इसको आप प्रोफेशनली जो है कहाँ कहाँ पर और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस किस्म की आप इससे रोबोटिक इमेजेस या कैरिकेचर्स वगैरह ऐसे कैसे जो है जनरेट करा सकते हैं। तो होप सो आज का सेशन जो हमारा एक था छोटा सा वो आपको पसंद आया होगा, और काइंडली इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा इस पे कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ एआई से मुतालिक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई पाइथन सिखा दूंगा या आपको जो है चैट बोर्ड बनाना सिखा दूंगा, बल्कि मैं आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा और बिल्कुल आसान अल्फाज में, जो आप जो है अपने रियल लाइफ में रियल टाइम, यानी कि उनको अपने किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए या आपके पास कोई ऑलरेडी स्किल है तो उसमें ना आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो सपोर्ट कीजिए, चैनल के लिंक्स को जितना ज़्यादा आगे शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, एंड इंशाल्लाह ताला कल एक और लेक्चर होगा हमारा इसी लिनाडो पे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि इसको हम प्रोफेशनल यूज़ इसका कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो जो है कनेक्ट रहिएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।